पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खत्री हितकारिणी सभा एवं महिला हितकारिणी सभा के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं होली मिलन सांस्कृतिक समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि खत्री दीपक स्वरूप टंडन, अध्यक्ष खत्री सभा अमरोहा और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक मेहरोत्रा द्वारा भगवान राम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। भव्य कार्यक्रम में ऐसे सजातीय बंधुओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तथा ऐसे पति पत्नियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने विवाह के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सभा की सदस्यों द्वारा जातिगत एवं स्वागत गान की सुंदर प्रस्तुति की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित जनमानस का मन मोह लिया गया। सजातीय बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं मुख्य अतिथि दीपक स्वरूप टंडन ने कहा कि खत्री हितकारिणी सभा द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं एवं उल्लेखनीय भी हैं। जिस समाज में अपने बड़ों को सम्मान दिया जाता है वो समाज एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। जाखो मन्नत दे होती है बेटी का फूल, बेटी तू भी मांग ये नहीं बबूल, इसके कुमकुम कदम सुफल देते हैं परियों के देश में ये तो रहते हैं। हर को जन्नत का नाम देते हैं बेटियां, ये सब कहते हैं। आज हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है, तो जिसमें हम अपने होली मिलन के कार्यक्रम में वरिष्ठ जो 75 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन वरिष्ठ उन्हें हम वरिष्ठ नागरिक के सम्मान के रूप में उनका उन्हें सम्मानित करते हैं, तथा जिन लोगों के शादी हुए जिनका वैवाहिक जीवन 50 वर्ष से ज़्यादा हैं और उन लोगों को भी सम्मान किया है। आज खत्री हितकारिणी सभा और महिला हितकारिणी सभा द्वारा हमने 75 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं और सजातीय हैं उन लोगों को सम्मानित किया है, और जिन्होंने 50 अपनी मैरिज एनिवर्सरी पूरी कर चुके हैं उन लोगों को सम्मानित किया है, बुजुर्गों को सम्मानित किया उनको। और हमारे इस प्रोग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम प्रेरित करते हैं, और इसमें हम खत्री सभा से बहुत सारे परिवारों को कोशिश करते हैं कि जुड़ें और आगे इस खत्री सभा को बढ़ाने में भी हमारा योगदान दें, हमारे को इसमें आगे हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें। और हम कोशिश करते हैं कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, खत्री परिवार के बच्चे हैं, उसमें स्कूलों में हम जो भी हमसे बन पड़ता है, हमारी संस्था से बन पड़ता है, वो हम उसमें भी देते हैं, और बच्चों को ये प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ें और उसमें हमारे खत्री लोगों का भी नाम आगे बढ़ाएं। जय हिंद जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।